चलेंगे इनके जो ओपन यूनिवर्सिटी के हैं वो जून तक एग्जाम चलेंगे, उनका रिजल्ट भी आएगा अभी तो, तब तक नहीं आएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनका फिर वो एलिजिबल नहीं है, वो तो बैठ नहीं सकते उसमें। ये लाइन सरकार की एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर दिखने को आती है कि EWS जो इन्होंने सरकार ने लागू की थी वो EWS को देखते हुए सरकार जो है किस तरीके से फॉर्म भरवा चुकी है। चलिए यहाँ पर बैठे हैं और इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जो इन एग्जाम को लेकर के? सर हम 15 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमें ना ही तो यहाँ बैठने का शौक है ना कुछ और करने का शौक है, लेकिन जब आपने फोरम दोबारा जून में रीओपन करवाया तो किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा आपसे रीओपन करवाने के लिए, लेकिन आपने EWS के चलते फोरम रीओपन किए और आपने उसमें 15% भर्ती बढ़ाने का वादा किया था, और फिर आप एक साथ इस तरीके से एग्ज़ाम डेट देते हो कि आपको पता होना चाहिए कि जब 1,56,000 फॉर्म वापस आए हुए हैं तो दोबारा उन बच्चों को तैयारी करने के लिए क्या दो महीने का टाइम दोगे? मैं शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के बेटे से या किसी भी जो सरकार में वर्तमान में पदाधिकारी उसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 महीने में इन्हीं बच्चों के सामने अगर फर्स्ट ग्रेड का पेपर निकाल के बता दीजिए तो हम आपको भी मान लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड है, 2 महीने में नहीं निकाला जा सकता, तो नए बच्चों को टाइम दीजिए। और EWS सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, और दूसरा जो बच्चों के एग्ज़ाम भी होंगे उस वक्त में उनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी 1,56,000 या 1,86,000 लोगों को भरा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो सर उनको भी टाइम दीजिए, दोबारा से आप उनको फॉर्म को रीओपन कीजिए या उनके लिए कोई भी संशोधन ऐसा कीजिए और इस वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाए। हमारी पहली मांग तो यही है कि आप इनको आगे बढ़ाया जाए, और जो 50% का बाहरी कोटा कर रखा है, पिछली बार हर 5वां व्यक्ति बाहरी स्टेट से था, तो उस बाहरी स्टेट के राज्य को कम करने के लिए आप इस इनको कम कीजिए और 5% का उनका कोटा फिक्स कीजिए, हमारा वो हक मारते हैं बाहरी राज्य के स्टेट वाले। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी बातें सुने, इन बेरोजगार युवाओं की बातें सुने। जी आप क्या कहना चाहते सर? EWS के माध्यम से रीओपन हुए थे फॉरम, उनमें से जनरल की सीटों को कटौती करके EWS को दिया गया और उन सीटों को जनरल को नुकसान हुआ है, और उन सीटों को बढ़ाना चाहिए ताकि सभी बच्चों का हित में हो, और जो 1.5 लाख फॉर्म नए भराए गए हैं अगर उनमें से विद्यार्थी पास होते हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो हाई कोर्ट में जाएंगे और भर्ती फिर अटकेगी। इससे अच्छा है डेट बढ़ाएं और उन बच्चों को मौका दिया जाए ताकि सभी बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। धन्यवाद सर। ये इन्होंने अपनी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि जो EWS वाला मामला लेकर के जनरल कैटेगरी में लिए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, जिन बच्चों के MA फाइनल नहीं हुई है उनके फॉर्म आपने रीओपन कर दिए, उन्होंने फॉर्म लगा दिए, लेकिन RPSC का प्रेस नोट में ये कहा गया जिनकी डिग्री क्लियर होगी वही एग्ज़ाम पास होने से, एग्ज़ाम रिजल्ट आने से उनकी डिग्री क्लियर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ जब तक एग्ज़ाम करवाओगे तब तक तो हमारी डिग्री क्लियर ही नहीं होगी, तो हमारी डिग्री क्लियर नहीं होगी तो हम एग्जाम बैठने योग्य है ही नहीं, तो हमारे साथ ये अन्याय आप क्यों कर रहे हो? अभी आपका शांतिपूर्वक धरना चल रहा है जी सर, क्या इसी तरह से आपका धरना जारी रहे? बिल्कुल सर, देखो ये तो आप भी जो परवाह थी ना, जितने दिन तक सर करते जा रहे हैं, अनशन में बैठे हैं, मंडे जैसी हालत हो रही है नौनी बहन की, अब क्या होगा लास्ट में? मौत तो एंडिंग पर चल रहा है। दूसरी बात सर, मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहूँगा, मैं MP जो लेक्चरशिप है ना उसमें पास हुआ हूँ, MP एग्जाम में लेक्चरशिप में मेरी 101 रैंक है, बट मुझे क्या परिस्थिति वहाँ पर गुजरी है, 5% में जा रहा हूँ मैं, 101 रैंक होने के बाद भी मैं खुद पास हो चुका हूँ, अभी जॉइनिंग नहीं है अब आने वाली है, बट मैं 5% 101 रैंक लाने के बाद भी मुझे ये श्योरिटी नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पर, तो 5% का तो वो इशू है ही है। दूसरी बात सर, जो इंसान की डेट को एक्सटेंशन के लिए तो बोल रहे हैं, जब वो मौत हो जाएगी उस बच्ची की क्या होगा, क्या कर लेंगे? 2 वैकेंसी की दोबारा निकाल देना ये है जिसके लिए। चलिए इन्होंने बताया कि MP के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के अंदर 101 ही रैंक आई है और वहाँ पर 5% का आरक्षण दे रखा है, जबकि हमारी सरकार ने यहाँ पर 50% का आरक्षण अदर स्टेट्स के लिए दे रखा है। यहाँ पर देखने की स्थिति ये है कि इस वक्त तादाद स्टूडेंट्स की और महिला ख़ासतौर से महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि रेला का रेला यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये आ रहे हैं, और हो सकता है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर एक हंगामी जो धरना है वो हंगामी रूप ले सकता है। और यहाँ पर जो सरकार ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया, सरकार ने कोई भी अभी तक अपना व्यू अपना प्रतिनिधि भेज करके इनको कोई ऐसा आश्वस्त नहीं किया है कि जिससे कि ये अपने धरने को ख़त्म कर सके। नोनी जो एक इनकी आमरण अनशन करके बैठी हुई है उनकी हालत नाजुक है, और
वो किस अवस्था में ये तो बाद में ही पता लगेगा कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे इनका धरना कब तक जारी रहेगा, उस धरने का क्या नतीजा निकलेगा, सरकार से उम्मीद लगा करके यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट पूरे राजस्थान भर से आए हुए हैं और आ रहे हैं जैसा कि इनकी इत्तला है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ये बाहर भी अपना कोई रैली या प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक जगह बैठकर शांतिपूर्वक धरना देने के बावजूद सरकार इनकी नहीं सुन पा रही है। आखिर क्या वजह है, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार इस परीक्षा की डेट को नहीं बढ़ाना चाहती है और इन अभ्यर्थियों के जो 186,000 जो अभ्यर्थियों को इन्होंने फॉर्म भरवाया, EWS के सर्टिफिकेट भी नहीं बने और जब परीक्षा होगी तो उनके रिजल्ट भी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे क्या मजबूरी आ गई सरकार की जो वैकेंसी को नहीं बढ़ा पा रही, जबकि 15,000 की वैकेंसियां पूरी व्याख्याताओं की राजस्थान के अंदर मौजूद है। साथ में एक बात और सामने आई है कि उर्दू की BEd तो करवाती है सरकार, मगर ना उर्दू में ना मनोचिकित्सा मनोविज्ञान के अंदर कोई वैकेंसी नहीं निकालती है। इसकी वजह अभी तक छात्र समझ नहीं पा रहे हैं, शायद उर्दू वाले और ये छात्र सपने ही देखेंगे अपनी नौकरियों के लिए। और आगे इस अनशन का और इस धरने का क्या होगा, सरकार को चाहिए कि इस पे फौरन अपना एक्शन ले और फौरन अपनी प्रतिक्रिया जारी करके जिससे कि इस धरने को पूरा किया जा सके और इनकी मांग को पूरा करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। क्योंकि युवाओं की सरकार, क्योंकि यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री युवा हैं और युवाओं की पहली पसंद है के लिए अपने सरकार को कदम उठा करके इस मसले को हल करने के लिए पहल करना बहुत ज़रूरी होगा। नहीं, ये इनके जिस हिसाब से युवा यहाँ पर आ रहे हैं, ये उग्र आंदोलन होने की पूरी पूरी उम्मीदें यहाँ नज़र आ रही है। DPK न्यूज़ से मैं डॉक्टर इस्माइल अपने सहयोगी जीतू के साथ। 10 लाख विद्यार्थी के परिवार के हित को लेकर के, अपने हित को लेकर के यहाँ अमरा अनशन पर बैठी हूँ। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज़।